नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घुटने पर आ गए हैं और भारत से दोस्ती की फरियाद कर रहे हैं। वहीं भारत से कारोबार के लिए पाकिस्तानी गिड़गिड़ाने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। पर आए शहबाज, भारत से दोस्ती की फरियाद। कर्जों के पहाड़ अंबार लग गए जिसमें हम इसके बोझ तले दब चुके हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अप टू अस। फैसला हमने करना है कि क्या कर्जों की जिंदगी बसर करनी है या इज्जत और वकार की जिंदगी बसर कर। भारत से कारोबार के लिए गिड़गिड़ाने लगे पाकिस्तानी। दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। इमरान का खुला ऑफर, अडियाला डील करेंगे शरीफ। जो अडियाला के बासी है उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं। बांग्लादेश की तरक्की से पाकिस्तानी पीएम शर्मसार। आज देखें वो बोझ कहाँ चला गया और हम उनको देखते हैं तो शर्मसार होते हैं। आई थिंक इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। चलनखोरी, खुदगर्जी और मक्कारी का ट्रेलर भर आपने देखा। पूरी पिक्चर हैरतअंगेज है। ये वो मुल्क है जहां फाकाकशी की महामारी फैली है। आवाम से हुक्मरान तक के हुक्का पानी का संकट है, लेकिन दूसरों की तरक्की इन्हें बर्दाश्त नहीं। इन्हें दूसरे मुल्कों की खुशहाली पचती ही नहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पड़ोसी मुल्कों की खुशियों पर शर्मसार हैं, तो बस समझ लीजिए कि इनकी नियत में कितने खोट हैं। हालांकि आप पाकिस्तान का चरित्र चित्रण नहीं देख रहे, ये तो पाकिस्तान की दुर्गति की दर्दनाक कथा है जिसकी रस्सी भी जल गई है और ऐठन तक नहीं बची। पाकिस्तान के एक एक बाशिंदे की ख्वाहिश है कि पीएम शहबाज शरीफ किसी भी तरह भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जितनी मिन्नतें कर सकते हैं करें, लेकिन भारत से हमदर्दी जुटा लें, वरना पाकिस्तान का पेट भरने से रहा। भारत से दोस्ती का इश्तेहारी प्रोग्राम पाकिस्तान के कराची में चलाया गया। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में सिंध सीएम आवास पर घंटों तक शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी उद्योगपतियों ने समझाया कि अब भारत से कारोबारी रिश्ते सुधारने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी आरिफ हबीब की हसरत पर शहबाज शरीफ मंद मंद मुस्कुराते रहे। उनके दिमाग में भी यही दुविधा चल रही थी कि किस तरह से भारत से दोस्ती गांठी जाए, क्योंकि पाकिस्तान को भुखमरी से बचाना जो है, कर्जखोरी की आदत ने पड़ोसी मुल्क को खस्ता हाल कर दिया है। अवाम के गुजर बसर की सभी जरूरी चीजों की मुल्क में किल्लत है। शहबाज शरीफ खुद मानते हैं कि कुछ दिक्कतें मिटाना तो उनके बस में भी नहीं। बेरोजगारी का खात्मा कहना तो एक बड़ा मुश्किल मामला है। उसमें कमी आए, आपकी जो इन्फ्लेशन उसमें कमी आए, आपके जो जॉब्स हैं उसमें इजाफा हो, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आए और पाकिस्तान की तरफ लोग देखें। पाकिस्तान की तरफ कोई देखे भी तो क्यों, इसकी वजह आगे बताएंगे। पहले देखिए भारत से कारोबार के लिए छटपटाने क्यों लगा पाकिस्तान। भारत में पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। साथ ही पाकिस्तान से आयात होने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी थी। इसका प्रभाव इतना गंभीर था कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच पाकिस्तान से होने वाला आयात 91% गिर गया। इसके बाद अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ पाकिस्तान से निर्यात में 90% की गिरावट आई। मतलब ये कि पाकिस्तान से कारोबार का टोटल बहिष्कार हो गया, जिससे भारत पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की कमर टूट गई। भारत पर निर्भर पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग और चीनी का बाजार पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं भारत से दवाइयों की सप्लाई ठप होने से पाकिस्तान के मरीजों को सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी। भारत से खाने पीने की चीजों का आयात कर पाकिस्तान जैसे तैसे पेट पाल रहा था। इसकी सप्लाई चेन जब टूट गई तो पाकिस्तानियों की चीखें निकल आईं।
लंबे अरसे से पाकिस्तानी कारोबारी भारत से व्यापार की मांग पाकिस्तानी हुक्मरानों से करते आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी इस सीरियस मसले पर मंथन शुरू कर दिया है। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत से किस मुंह से वो दोस्ती की बात करें, क्योंकि दहशतगर्दी का कॉन्ट्रैक्ट भी तो पाकिस्तान की सेना ने ले रखा है। यही वजह है जो पड़ोसी मुल्कों की तरक्की पर शहबाज को शर्मसार होना पड़ रहा है। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तानी पीएम की बातें सुनिए। खुद के पिछड़ने से ज्यादा गम इन्हें बांग्लादेश की खुशहाली पर हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो तरक्की की दौड़ में जो बहुत पीछे रह गया है उसको हम आगे लेके जाएं। यानी वो ममालिक जिनको हमने बोझ समझा था कि उसको उतार दें कांधे से, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक उस ज़माने में सोच थी। उस ज़माने में मैं तो एक स्टूडेंट था, कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था कि जी ये बोझ है उधर जाए। आज देखें वो बोझ कहाँ चला गया और हम उनको देखते हैं तो शर्मसार होते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। शहबाज शरीफ के पास शर्मसार होने की वजह कई है। मुल्क की माली हालत है, पड़ोसी देशों से बिगड़े रिश्ते हैं, पाकिस्तान में पल रहे आतंकी आका हैं, जनरलों के हुक्म बजाने की मजबूरी है। पाकिस्तान का बेड़ा पार लगाने के लिए शहबाज शरीफ को इमरान खान नियाजी का भी ऑफर मिला है। जो अडयाला के बासी है उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी है। शहबाज शरीफ बेहतरी के जितने कदम उठा रहे हैं फिलहाल वो बैकफायर कर रहे हैं। हाल ही में ईरान से व्यापारी समझौते पर पाकिस्तानी पीएम ने अमेरिका से पंगा ले लिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के इस्तकबाल में पाकिस्तान जिस तरह से बिछा रहा उससे सुपर पावर बौखलाया हुआ है। मुमकिन है इसीलिए पाकिस्तान भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बचने की राह तलाश रहा है। हालांकि पाकिस्तान को भारत पहले ही मैसेज दे चुका है कि हम दोस्ती के रास्ते तब ही खोलेंगे जब पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा करेगा। ये रहम भी सिर्फ इंसानियत की खातिर ही भारत करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे धोखेबाज दोस्त से भले तो दुश्मन मुल्क होते हैं। जम्मू कश्मीर से लगातार डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां लगातार 3 महीने से जमीन खिसकने की वजह से लोग दहशत में हैं। देखिए रिपोर्ट। इससे पहले यहां तक रोड था और ये लेवल थी, अब रोड सीधे तकरीबन 4-5 मीटर नीचे आ गए। तो कोई भी घर के अंदर हो कृपया घर से को जल्दी से जल्दी खाली कर दें, जो कि आपके रहने के लिए स्कूल में इंतजाम किया गया है। पहाड़ों पर धंसती जमीन की पहेली। डिमाइज रोड था, यहां तक ही अब दिख रहा है और पूरे एरिया का जो रोड है वो कट ऑफ हो गया है क्योंकि वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। रामबन में जमीन धंसने से हड़कंप। या QRT आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ये लोग लगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जबरदस्त एफर्ट्स किए हैं। अभी तक तरक गए मकान, सड़कों में आई दरार और अभी यहाँ पर विजिल भी बढ़ाया गया है कि कोई बड़ा हादसा पेश ना आए। भर भरा कर गिरे मकान, बिजली के टावर ध्वस्त। जम्मू कश्मीर पुलिस है और साथ ही जो QRT की यहाँ पे टीम है वो लगातार इस एरिया में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। NDRF, SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन। सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें, जमींदोज हुए मकान, भर भरा कर गिरे बिजली के टावर और जान बचाकर भागते लोग। ये डरावनी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं। यहाँ के लोग इन दिनों दहशत में हैं। अचानक से जमीन खिसकने की वजह से इन लोगों की हस्ती खेलती जिंदगी उजड़ गई है। इस इलाके में करीब 1 किलोमीटर तक की जमीन धंसने के बाद रामबन से 6 किलोमीटर दूर पेरनोट गाँव में 60 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान पहुँचा है, जिसके बाद से ही प्रशासन एक्शन में है। फौरन 100 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया। इस दौरान NDRF, SDRF, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। 5 किलोमीटर गोल संगलदान रोड पर है यह एरिया और
इस लैंडस्लाइड की वजह से एक तो रोड जो है डैमेज हो गई काफ़ी है, और रोड के साथ साथ जो है रोड के आसपास में जो मकान हैं तो उनमें भी क्रैक्स आए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मकान हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमने रेवेन्यू टीम भी लगाई है, दूसरे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो सर्वे कर रहे हैं। और हमारी प्रायोरिटी यह है कि जिन लोगों के मकान डैमेज हो गए हैं तो हमने मतलब उनको एवैक्यूएट कराया है, खाली कराया है, और उन लोगों को सेफर प्लेसेस पर जैसे पंचायत घर है, कोई स्कूल है, वहाँ पे उनको रखा गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में कुदरत के कहर से कई घर जमींदोज हो चुके हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को प्रशासन ने रेड जोन घोषित कर दिया। रामबन में जमीन धंसने से 4 बिजली टावर टूट गए हैं, सड़कों को भारी नुकसान हुआ है, जमीन धंसने से 60 से ज्यादा घरों में दरारें आई हैं, राहत और बचाव शिविरों में 100 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया, प्रशासन ने जमीन खिसकने वाले क्षेत्रों से लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही बाढ़ वाली सड़कों, नदियों, झरनों से दूर रहने की हिदायत दी गई। रामबन में आई इस आपदा के बाद से ही प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, जरूरतमंदों को मदद मुहैया कराई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF, SDRF की टीम के साथ स्थानीय प्रशासन की टीम जुटी हुई है। पूरे इलाके में प्रशासन हाई अलर्ट पर है और हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है। एक तरफ कुदरत के कोहराम से परेशान लोगों के लिए प्रशासन लगातार मदद मुहैया करा रहा है, तो दूसरी तरफ भूवैज्ञानिक रामबन में जमीन धंसने की वजहों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। बेटे के इलाज के लिए माँ बाप हर संभव कोशिश कर चुके हैं, पूरी जमा पूंजी खर्च कर चुके हैं, लेकिन इलाज के लिए जितने पैसों की जरूरत है वो इनके वश की बात नहीं है। इसलिए दौसा के ये बेबस अपने घर के चिराग के लिए मदद की गुहार लगा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। गहने गिरवी रख कर कराया उपचार, हर दर पर दस्तक दे देकर गया हार। बाकी मैं कुछ मंत्रियों के पास में भी गया हूँ, MLO के पास में भी गया हूँ, सांसदों के पास में भी गया हूँ, जो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से इतने हैं। बेटे के इलाज के लिए मदद की है दरकार, बेबस की फरियाद सुनिए सरकार। बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो पूरा घर उत्साहित हो जाता है, लेकिन दौसा के खैरपुर के रहने वाले पिंटू मीणा के लिए उनके बेटे की बढ़ती उम्र उनके लिए परेशानी का सबब लेकर आई है। पिंटू बताते हैं कि उनका 13 साल का बेटा दीपक ब्रेन से जुड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसके चलते ना वो खुद उठने बैठने में सक्षम है और ना बोलने बतियाने में। इतना ही नहीं, मासूम अपने हाथों से कुछ खा भी नहीं सकता। मतलब खड़ा होना चाहता है, खुद के हाथों से खाना खा ले, लेटरिंग बाथरूम खुद कर ले। अगर इस तरीके से खाट में रहेगा, डरा रहेगा, तो इसका जीवन मतलब खराब है। अगर इसका जो VNS मशीन ब्रेन में डल जाएगी, विदेश से आएगी, तो मेरी तो इतनी औकात नहीं है, मैं 11,55,000 की मशीन इसको खरीद के ला दूं। पिंटू मीणा के मुताबिक दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने इस गंभीर इलाज का खर्च 18 से 19 लाख रुपए बताया है। पिंटू ने अपने लाडले का इलाज के लिए राज्य सरकार के विधायकों, मंत्रियों, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन परिजनों को कहीं से कोई ठोस सहायता मुहैया नहीं हो पाई। डॉक्टरों ने मतलब जांच वांच करके इसको जो जेनेटिक जांच आई तो बताया ब्रेन में जो जीन है बनावट में, अपने बच्चे की बनावट में है, तो बनावट अधूरी रह गई, तो उसके लिए डॉक्टरों ने 11,55,000 का एस्टिमेट बनाया। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, मेहंदीपुर बालाजी 10,000 रुपए की नौकरी करता हूँ। मेहंदीपुर बालाजी में 10,000 रुपए की नौकरी करने वाले पिंटू मीणा के लिए 19 लाख रुपए का इंतजाम असंभव है, इसलिए वो सरकार और समाज से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या किसी संवेदनशील जिम्मेदार तक एक बेबस बाप की गुहार पहुंचेगी?
न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में गुजरात और राजस्थान से बड़ी बरामदगी हुई है। एटीएस और एनसीबी ने मिलकर करीब 300 करोड़ के ड्रग्स के खेल का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में राजस्थान से दो आरोपी समेत कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रग्स माफिया पर सबसे बड़ा एक्शन, दो राज्यों में रेट 300 करोड़ का खेल। सिरोही में सीक्रेट लैब का पर्दाफाश। तेरा अरेस्ट, पकड़ा गया वॉल्टर व्हाइट। गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम ने गुजरात और राजस्थान में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और ड्रग्स बनाने वाली अवैध फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों टीमों ने दो राज्यों में आरोपियों के चार ठिकानों पर एक साथ रेड की और कुल 300 करोड़ के नशे के खेल का पर्दाफाश किया। इसके अलग अलग जो आरोपी हैं जिनका हमें कस्टडी में है उनकी पूछताछ अभी चालू है। ज्यादा डिटेल्स अभी हमको धीरे धीरे प्राप्त होगी, लेकिन इन सब आरोपियों की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेल्स हैं वो भी हमें अभी तक मिल चुकी है और ये पूरा किस्सा जो है, ये चार अलग अलग जगह जो रेड हुई है जिसकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तरफ से करने की ओर से की जाएगी, क्योंकि इसमें गुजरात, राजस्थान और शायद कहीं आगे भी निकले तो एक राज्यव्यापी सिर्फ नहीं है लेकिन राज्य के बाहर भी इसके फैले हुए हैं। राजस्थान में टीमों ने जालौर, जोधपुर और सिरोही में कार्रवाई की, जहां सिरोही के शिवगंज में लोटीवाड़ा गांव एक सीक्रेट लैब का खुलासा हुआ। टीम ने यहां एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 50 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स जब्त की गई। साथ ही इस सीक्रेट प्रयोगशाला से कई किलो नशीला रॉ मटेरियल भी जब्त किया गया। सबसे पहला रेड जो हुआ है वो भीनमल में हुआ है जो सिरोही राजस्थान का है, जहां से हमको करीब 15 केजी एमडी मिला है और 100 लीटर लिक्विड एमडी मिला है। भीनमल सिरोही राजस्थान में जो इस षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे जिनको हम लोगों ने अभी कस्टडी में लिया है उनके नाम है, पहला मैंने कहा वो मनोहर प्रसन्नदास हैदानी जो अहमदाबाद गुजरात के रहवासी हैं, राजा राम हैं जो राजस्थान के हैं, बजरंग लाल भी राजस्थान के हैं, नरेश हैं वो अहमदाबाद के हैं और कन्हैया लाल है वो अहमदाबाद। नशे पर नकेल वाली इस कार्रवाई में राजस्थान से कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और मामले में कुल 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है। साथ ही नशा बनाने वाली 5 हाईटेक लैब का खुलासा भी किया गया है, जहां से 149 किलो एमडी, 50 किलो एफेड्रिन, 200 लीटर एसेटोन और 117 लीटर लिक्विड एमडी जब्त की गई। सिरोही में जिस लैब का खुलासा हुआ वो लंबे समय से एक्टिव थी और यहीं से गुजरात और राजस्थान के कई शहरों में ड्रग्स सप्लाई किया जाता था। सिरोही के लोटीवाड़ा गांव में इससे पहले भी नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और अब एक बार फिर से एक्शन लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। खैरथल के टपुकड़ा में दो दिन पहले हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या करने वाला कोई और नहीं, पति ही निकला। उसे पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। डबल मर्डर का खुलासा, पति ही निकला हत्यारा। पत्नी के साथ ही बेटी को उतारा मौत के घाट, दूसरी शादी बनी हत्या की वजह।
पुलिस की गिरफ्त में ये शख्स है निशांत पांडे, जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या करने के बाद ये दरिंदा फरार हो गया। पुलिस उस तक पहुंच ना सके, इसके लिए उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही और टेक्नोलॉजी के जरिए 72 घंटे के अंदर ही आरोपी तक पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी बिहार के सिवान से गिरफ्तार किया। सुखी मामला काफी सीरियस था और डबल मर्डर था, उसके अंदर एक छोटी बच्ची का हत्याकांड था, तो समस्याएं तो काफी थी। फिर बिहार का रहने वाला था, तो आशंका ये थी कि कहीं अपराध करके कहीं भाग नहीं जाए या फिर अपने आप को कहीं छुपा नहीं ले, तो इसमें तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए लगभग 72 घंटे के अंदर ही इसको अरेस्ट कर लिया गया और बिल्कुल सनसनीखेज घटना थी। तारीख 24 अप्रैल और दिन था बुधवार। खैरथल के टपुगड़ा के त्रिहान सोसाइटी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से सोसाइटी के फ्लैट में मां बेटे के शव मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। शवों को देखकर पुलिस भी देखकर हैरान रह गई। फ्लैट में पड़े दोनों शव बुरी तरह से सड़ गए थे। शवों को देखकर लग रहा था कि मर्डर 7 से 8 दिन पहले हुआ था। हत्या का खुलासा उस वक्त हुआ जब कई दिनों से फोन नहीं उठाने पर मृतका की बहन को शक हुआ। वो बहन से मिलने गई लेकिन फ्लैट का ताला बंद था। जीजा को फोन किया, उसने भी फोन नहीं उठाया। बहन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर देखा तो फ्लैट के बाथरूम में मां बेटी के शव मिले। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी निशांत फरार हो गया। त्रिहान सोसाइटी में बी ब्लॉक में 1000 से प्लेट जो कि काफी दिनों से बंद था, तो उसके अंदर से कुछ बदबू सी आ रही थी और सूचनाकर्ता का यह कहना था कि मेरी जो साली है वो उसका परिवार वहां अंदर रहता था, तो वो कई दिनों से प्लेट खुला नहीं है, तो कुछ आशंका थी उनको और ये आशंका होने से प्लेट बंद रहने से उच्च अधिकारियों को बताया गया और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराते हुए प्लेट को तोड़ा गया और जब दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा गया तो फ्लैट के अंदर बाथरूम के अंदर माँ और बेटी दो डेड बॉडीज हमारे को बाथरूम के अंदर मिलती है। बताया जा रहा है कि आरोपी निशांत कुमार पांडे और आकांक्षा सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। करीब 8 साल पहले शादी कर ली। शादी के करीब 4 साल बाद एक बेटी नव्या का जन्म हुआ। इस बीच निशांत ने सिवान में भी दूसरी शादी कर ली, जिसको लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता था। हत्या से पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद उसने बेटी और पत्निया की हत्या का प्लान बनाया और 7 अप्रैल को पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। 18 अप्रैल को बेटी का भी गला दबा दिया। ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी, काफी दिनों से इनके झगड़े चल रहे थे। इसी बीच पिछले साल पति ने एक दूसरी और शादी कर ली सिवान जिले के अंदर ही। इस बात का पता इस मृतका को लगने पर इनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और घटना से 2 दिन पहले भी इनके बीच में झगड़ा हुआ है 14 तारीख को, और झगड़ा होने के कारण ही फिर पति ने 17 तारीख को इसका मर्डर किया। आरोपी इतना शातिर था कि पत्नी और बेटी की हत्या को छिपाने के लिए लगातार आकांक्षा के घर वालों से झूठ बोलता रहा। घर वाले जब भी आकांक्षा को फोन करते तो निशांत ही फोन उठाता और कोई ना कोई बहाना बना लेता। हत्या के बाद आरोपी बिहार के सिवान में जाकर छिप गया, लेकिन कानून के हाथों से न बच सका। न्यूज 18 राजस्थान के लिए खैरथल से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।